एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कौन कौन? भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी तुरंत बोला हूँ मैं, फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, आप किस देश में रहती हैं? झारखंड देश में रहती है। हाई स्कूल है ये, और हाई स्कूल में जो बेसिक चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं है। पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर है क्या यहाँ पर? खाली बिल्डिंग बना दिया गया है। अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जानती हैं? नहीं। है? आप मेल है या फीमेल? मालूम है? नहीं मालूम है। वर्ग 10A। मैं कमिंग सर, कैसे है आप? वेलकम। कैसे है सर? क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। कहाँ से आप आते हैं सर? हम कांडी के रहने वाले हैं। कांडी के? क्या पढ़ा रहे हैं आप? हम साइंस पढ़ाते हैं। साइंस के टीचर? तो साइंस में क्या मतलब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चे हैं? नहीं नहीं, 9th के। अच्छा, 9th के बच्चे हैं। बाहर वो 10th लिखा हुआ था इसी मुझे लगा। अच्छा, यहाँ पर पंखा में तो लाइन नहीं है? वो लाइट इसलिए नहीं है, वायरिंग नहीं है ना। तो वायरिंग सर कब होगा? हम करवाएंगे, कौन करवाएगा सर? सर वायरिंग तो हम भी कब से नहीं है ये बताइए, कब से? अच्छा, जब से पढ़ रहे हैं तब से नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ऐसा ही पूरा बच्चा लोग पूरा। क्या नाम, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम आफरीन प्रवीण। ये बताइए कि ये पंखा टांगा हुआ है, ये कब से टांगा हुआ है इसे? कब से? हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से सही टांगा है। अच्छा, सही टांगा हुआ है। और तो बल्ब भी नहीं लगा होगा कहीं पर? नो। बस झारखंड वासी हो, अब बताइए अगर कमी निकालने लग जाओ तो कमी। बोर्ड का स्थिति देख लीजिए, जरा देख लीजिए क्या लिखाता होगा इस पर। व्हाइट हो गया, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड हो गया है ये। उसके बाद एक और बात, पंखा तो लगा दिया गया है, सरकार पैसे दे रही है, शिक्षा विभाग, पंखा लग गया है, दो पंखा लग गया है, वायरिंग नहीं किया हुआ है। इधर वायरिंग का देखिए सब उखाड़ लिया गया है, मतलब छोटे पैमाने पर किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है आप देख लीजिए। ये भ्रष्टाचारी जो है स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब कौन कर रहा है ये तो अब जांच बैठेगा तब पता चलेगा। सरकार कभी जांच बैठाती नहीं है, या प्रधानाध्यापक कर रहे हैं, या ये किसको ठेकेदारी मिला था वो कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। लाइट ही नहीं कहीं लगा हुआ है, बताइए। इतनी गर्मी लग रही है, दिक्कत नहीं होती आपको? आपको नहीं होती है? आप बोल नहीं रही हैं, सभी बोल रहे हैं, बोल रही हैं, आप नहीं बोल रही हैं, क्यों? क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्या जल संख्या? थोड़ा तेज बोलिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। खड़ी हो जाइए प्लीज। जल संख्या। अच्छा, ना सब्जेक्ट का नाम बताइए ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जानती हैं? नहीं। है? आप मेल है या फीमेल? मालूम है? नहीं मालूम है। पूनम कुमारी। पूनम जी, कहाँ से आती हैं पढ़ने आप? बाना से। पापा क्या करते हैं पूनम? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मतलब जो अथी है, सरिया सेटिंग लगाते। अच्छा, सरिया सेटिंग का काम करते हैं, वेरी गुड, बहुत सभी काम अच्छा होता है। अच्छा, आप बता सकती हैं स्त्रीलिंग पुलिंग, आप स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के दो उदाहरण दीजिए, तो स्त्रीलिंग का दो उदाहरण बताइए सेंटेंस में, मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा, आप कौन से राज्य में रहती हैं? झारखंड। और देश? भारत। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कौन कौन? मालूम है? याद था पर भूल गए। याद था लेकिन भूल गए हैं, कोई बात नहीं, याद था पर भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है बच्ची आपका? सुमन कुमारी। सुमन, आप कहाँ से आती हैं? सोहबरिया से। सोहबरिया से। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ? बंगलोर गए हैं जी काम करने। अच्छा, स्वर और व्यंजन आप जानती हैं? नहीं जानती। आप जानती हैं? हम जो है बात करते हैं बेहतर शिक्षा की, शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन कितना खराब शिक्षा व्यवस्था है बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए। सर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। सर बताइए कि इनको इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ाने से पहले इनको बेसिक सिखाना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, बेसिक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें से सब बच्चे आप इधर इनको उठा सर मैं देखिए,
मैं जानता हूँ कि सर 100 में से 10 बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बच्चियाँ, तुम नो डाउट, एकदम 100% मुझे मालूम है, 100-150 स्कूल में मैं जा चुका हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि जो 90% का जो रेशियो है उसको कैसे सही किया जाए? देखिए सर, जब तक बिल्कुल जब प्राइमरी लेवल पर अगर सुधार नहीं होगा जी, तो आगे गुणवत्ता वैसी नहीं रहेगी बच्चों में जी। प्राइमरी लेवल पर अगर बेस उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे आप उतना जितना आपको चाहिए उनसे फीडबैक उतना नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। नो डाउट आप करते होंगे सर, आप जो आपका जो सब्जेक्ट है जो पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसमें आप बेस्ट होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, इनको समझ में भी आता होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इनको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, तो फिर कैसे ये चलेगा? ये तो वही है कि प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल लोअर लेवल से जब मतलब ये कह सकते हैं कि 1-8 मिडिल स्कूल है, हाँ वहाँ पर, और प्राइमरी और मिडिल लेवल पे जो है वो उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है ना सर? बिल्कुल आवश्यकता है। अच्छा, आपसे सर, क्योंकि देखिए एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं कि जो अगर पांचवी कक्षा में है उसको अगर नहीं आ रहा है तो उसको छठा कक्षा में ना भेजा जाए? देखिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा तो हर अब तो ये तो सरकार का फैसला। अच्छा सर, समस्या ये है ना कि आप लोग फिर बात को काटिए मत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं बच्चे? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, छठा में ला देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर छठा में आ जाएगा फिर वैसे सातवां में आ जाएगा, फिर आठवां में आ जाएगा, फिर 10 पास कर जाएगा, फिर कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। जब आपको कुछ अइबे नहीं करता है, कि एग्जाम निकाल नहीं पाइएगा तो कैसे चलेगा? गलत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलनाज खातून। अच्छा गुलनाज, आपके पापा क्या करते हैं? कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई करते हैं, तो अच्छा ये बताइए कि आप रेगुलर क्लास आती हैं? यस। जो शिक्षक है हर पीरियड में आते हैं? यस। सच सच बताइए, जैसे फिजिक्स के अलग टीचर होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे, मैथ के अलग होंगे, और ज्योग्राफी के अलग होंगे, हिस्ट्री के अलग होंगे, सब आते हैं टाइम पे? यस सर। आते हैं? यस। बना है जब से आते हैं, पहले नहीं पहले नहीं आ रहे थे? यस। अभी आ रहे हैं? अच्छा, तो आपको मालूम है सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका? भुला जाते हैं। अभी तुरंत ही बताया हूँ मैं। साइंस। साइंस। मैथ। मैथ। भूगोल। भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी तुरंत बोला हूँ मैं। फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं? नहीं, बैठ जाइए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रेमशीला कुमारी। प्रेम शीला, आपके पापा क्या करते हैं? सेटरिंग के काम करते हैं। सेटरिंग का काम करते हैं, तो अच्छा ये बताइए कि आप क्या करना चाहेंगे आगे जाके? टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर शिक्षक बराबर पढ़ाते हैं? सर से बताइएगा। यस। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है आपको? यस। अच्छे से? यस। जो मान के चलिए कुछ सर जो एक्सप्लेन करते हैं, जो बताते हैं, आपको समझ में आता है? यस। अच्छा सर, सच से बताइएगा, आप जो पढ़ाते हैं इनसे कभी पूछते हैं तो क्या इनका फीडबैक आता है कि हमको समझ में आया या नहीं आया? आप हमेशा पूछते हैं, हर किसी को, हर किसी से पूछते हैं जी। देखिए जितने भी बच्चे होते हैं, एक मिनट। अच्छा ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? मैथ, साइंस, इंग्लिश, बायोलॉजी, संस्कृत। आगे सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट गोल हो गया? नहीं सर, है ना। यस। अच्छा आप किस देश में रहती हैं? झारखंड। झारखंड देश में रहती हैं? नहीं सर, भारत। सर भारत देश में। राजधानी कहाँ है? रांची है। बैठ जाइए। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। हमारा प्रयास ये है, हम स्कूलों में जाते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे हमें, लेकिन हम दिखाते रहेंगे, और ये सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके लोगों का आँख खुलेगा। क्या नाम है आपका? गोल्डी कुमारी। गोल्डी कुमारी, पापा क्या करते हैं? पापा घर में काम करता है, किसान। अच्छा किसान है। yes. अच्छा यहाँ पे जो टीचर है हर पीरियड वाइज 45 मिनट का घंटी होता होगा ना? yes, आते हैं? yes, sir, आते हैं, जब से रूटीन बना है तब से आते हैं। अच्छा आप लोग काहे नहीं कहते हैं कि ये सब क्यों नहीं सही करवाते हैं? कहते हैं तो आप लोग बंद कर दीजिए ताला एक दिन। अच्छा ये आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। सोशल साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट है? सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी का साइंस वाला आप सोशल साइंस में घुसाते हैं? बहुत समस्या है बेटा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन समस्या है ये। इस समस्या को आप ही लोग दूर कीजिएगा, और दूर तभी होगा जब आप लोग आवाज़ उठाइएगा।
सर को कहिए कि पहले हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पहले आपको बेसिक सिखाइए, और उसमें और बेसिक जो होता होगा साइंस में, हम साइंस पढ़े नहीं हैं तो आपको मालूम नहीं है। कौन से देश में रहती हैं? भारत देश में। बैठ जाइए। थैंक यू सो मच सर। कैसे चलेगा सर? वही तो बोल रहे हैं कि पहले बेसिक लेवल पे सुधार होना चाहिए जी। सबसे पहले नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए, कहाँ पर है वो सब बताइए। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बना है जी। और यहाँ पे पढ़ाई का दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे पूरा गर्मी लगता है, पंखा नहीं है, न यहाँ बाथरूम है। अच्छा, बाथरूम में नहीं, नहीं है? है लेकिन पर यूज नहीं होता है। अच्छा, इसी गंदा उंदा है पूरा, और पानी उसमें आता नहीं होगा? नो, बाकी से लेकर जाना नो, नो नहीं आता है। तो फिर अगर किसी को ऐसा आभास हुआ शौच का तो कहाँ जाएगा वो? पता नहीं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर आप देख लीजिए, बालिकाओं को देखिए, हमको लगता है कि कम से कम 1260 बच्चे बच्चियाँ हैं यहाँ पर। सर जैसा बता रहे थे 1260 है, उसमें से कम 600 के आसपास लड़कियाँ होंगी, है ना सर? 500-600 होंगी ज़्यादा, है ना? 500 लड़कियाँ होंगी, 500-600 लड़कियाँ हैं यहाँ पर, बालिकाएँ हैं, इनके लिए शौचालय नहीं है। शौचालय है लेकिन यूज़ करने लायक नहीं है, और वहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा पानी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ के विधायक जो है मंत्री भी हैं, पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। माननीय महोदय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाई स्कूल है ये, और हाई स्कूल में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर है क्या यहाँ पर? खाली बिल्डिंग बना दिया गया है, बेंच का भी दिक्कत, बेंच भी नहीं है जी, यहीं पे है। और फिर पिछले हफ्ते तो हम लोग नीचे बैठते थे टपर पे। अच्छा, टपर पे बैठती थी जी, बेंच नहीं था, तो फिर 10th क्लास के स्टूडेंट गए तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। बस आप इसी से अंदाजा लगाइए झारखंड वासियों, सर अगर क्लास डिस्टर्ब हो रहा होगा तो माफी चाहते हैं, वैसे भी आधा घंटा पढ़ के कोई कुछ कर नहीं लेगा, वैसे भी शिक्षा का गुणवत्ता समझ में आ गया हमको, और झारखंड वासियों को भी आ गया है। बैठ जाइए, थैंक यू। तो समस्या ये है कि बेसिक चीज़ों की सुविधा नहीं है स्कूलों में। अब आप छोटे से प्राइवेट स्कूल में चले जाइए और आप देख के दंग रह जाएंगे, बहुत जल्द हम दिखाने वाले हैं वो भी। पानी की सुविधा नहीं है, आप समझिए शौचालय में। आप चले एक राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग शिक्षा व्यवस्था है। खूंटी में चले जाइए, रामगढ़ में चले जाइए, वहाँ पे छोटे से छोटे स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में वहाँ पर नल जल योजना के तहत पानी भेजा जा रहा है, लेकिन इधर नहीं है। गढ़वा पलामू लातेहार पीछे है सब। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो ये समस्या है झारखंड में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर एक घर बनवाता है आदमी, तो उसका घर का फर्श कम से कम 30 से 40 साल चलता होगा, लेकिन यहाँ का फर्श जला देख लीजिए। ये कौन महाशय बनवाए हैं, कौन इंजीनियर साहब इसको पास करके गए हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हमको लगता है 8-10 साल पहले बना होगा, टूट फूट के सब, देखते हैं ना सड़क जो होता है जर्जर सड़क, वो हो गया है। तो इसी से अंदाजा। सबसे ताज्जुब की बात है कि बगल में देखिए दुतल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, और दुतल्ला बिल्डिंग बना दिया गया, उसका पैसा भी पास कर लिया गया होगा, क्योंकि पूर्व प्रधानाध्यापक बनवा के गए हैं। अब कौन बनवाया है मुझे मालूम नहीं, जैसा सर बता रहे थे, अब किसी भी क्लासरूम में गेट नहीं लगा है, खिड़की नहीं लगा है, फिनिशिंग नहीं किया है, तो फिर उसको पास कैसे कर दिया गया? शिक्षा विभाग से मेरा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़।